हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश। हम हमारे असेंबली पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं कुछ आपको, ये मेरी असेंबली है जो अपने लास्ट टाइम बनाई थी। जैसे कि हमने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैंने इसे बनाया तो और इसे बनाने के बाद हमने इसे असेंबल भी किया। हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि एक्सप्लोड व्यू को, यानी कुछ टूल्स हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरी असेंबली जैसे तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। जैसे हमने ये असेंबली तैयार कर ली, ठीक है ना। असेंबली तैयार होने के बाद मुझे करना क्या है, एक्चुअली इसे मुझे दिखाना है एज एक्सप्लोड व्यू में। मतलब एक व्यू है जिसमें मैं एक्सप्लोड करके दिखा सकता हूँ मेरे एक एक पार्ट को। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारी ये असेंबली वैसी की वैसी है। सेम असेंबली को मुझे एक्सप्लोड व्यू पे जाके क्लिक करना। अब आप देखेंगे एक्सप्लोड व्यू पे, ये देखिए मेरे पूरे, यानी कि जो एक एक पार्ट है अलग अलग हो गए। मैं इसको फिर से एक्सप्लोर व्यू पे करूंगा, क्लिक करूंगा, देखिए ज्वाइंट हो गया। अगर ये क्लिक करेंगे आउट हो गए, ज्वाइन हो गए, आउट हो गए, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लोर व्यू है, ठीक है ना। एक्चुअली ये एक्सप्लोर व्यू बनाया किस लिए गया था, एक्चुअली कैसे असेंबली सेक्शन में ढेर सारे पार्ट अपन ज्वाइन कर लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि कितने पार्ट है, कितने नहीं है और कहाँ कहाँ उसे करना चाहिए। तो ये एक्सप्लोर व्यू का ये है ना। अभी मैं डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ, देखिए डिस्प्ले के बाद मैं शेडिंग का ऑप्शन देखूंगा, तो एक एक शेडिंग देख सकते हैं। मैं इसे अपना एक्सप्लोर सेटिंग दिखाना है वो भी दिख सकता हूँ। तो मैं डिफरेंट टाइप से मैं कर सकता हूँ। लाइन व्यू में कुछ अच्छा व्यू नहीं आ रहा, हिडन लाइंस अगर बंद किए तो भी नहीं आ रहा। वायर फ्रेम में आया तो वायर फ्रेम में कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब दिख भी रहा होगा आपको वैसे कुछ, ये देखिए पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ठीक है ना। बट हमें नॉर्मली हमारे व्यू में ही अच्छा लगता है, शेयरिंग है, शेयरिंग है, ठीक है ना। हमें हमारा पार्ट मिल गया ना। मुझे क्या करना है, जैसे कि मेरा पार्ट यहाँ से तो बराबर प्रॉपरली जगह पे लगा है, बट मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़ा सा मेरे जो, यानी कि पोजीशन देना है इनको। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट पोजीशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पे कीजिए कि ये जो भी पार्ट को आपको रिमूव करना है, आगे पीछे करना है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रोटेट कीजिए या स्लाइड कीजिए, या जो आपको करना है ट्रांसलेट करना है, या ऑफसेट लाइन करना है, ये यहाँ पर ऑप्शंस देखें। और अगर आपको ऑप्शन यूज़ नहीं करना है तो हमारे पास ये हमारा ड्रैग करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ठीक है ना। बट मुझे लग रहा है कि हाँ ये सही है, पर बाकी दूसरा खराब वो है, तो मुझे थोड़ा सा उसे पीछे ले लेता हूँ। ओके, सिमिलरली उसे भी पीछे ले लूँगा मैं इस व्यू को, ठीक है, प्रॉपर। देन इस पर क्लिक करके इसे भी ऐसा कर, देखिए अब मेरी पोजिशन हो गई। देन मैं क्या करूँगा, सेंटर बटन क्लिक करो या यहाँ से राइट कर, हम राइट कर लो। राइट करने पे हमारा देखिए ये हमारा उसकी पोजीशन ले ली। अब मैं एक्सप्लोर व्यू को ऑफ करता हूँ, देखिए ये असेंबल्ड हो गया, ठीक है ना, ये असेंबल्ड हो गया ना। हो यहाँ पर फिर से मैं एक्सप्लोर व्यू पे क्लिक करूँगा, एक्सप्लोर, ठीक है। तो ये था एक्सप्लोर व्यू का पोर्शन। सो आप प्लीज ट्राई करके देखिए, देखिए असेंबली बना के देखिए। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि असेंबली को किस तरह से, यानी फुली कंसिस्टेंट किया गया और कैसे जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया। वो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, 10-15 मिनट का वीडियो हो गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज़ उसे ट्राई करके देखिए और घर में प्लीज़ बना के देखिए। अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको कुछ समझेगा नहीं। आप बनाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आप अपने दोस्तों को जितने ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो प्लीज कीप ट्राइंग, ट्राई एट होम एंड ओके। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे आप वीडियो तभी आपको कुछ समझेगा, अदरवाइज कुछ समझ में आना नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को फुली देखिए और लाइक करना जरूर।